अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मोहम्मद राशिद, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको जो लोकेशन है वो थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, क्योंकि मैं जो इंट्रोडक्शन है डिफरेंट लोकेशन से कर रहा हूं। मैं इस्लामाबाद से वापस आया हूं अपने घर की तरफ, मुजफ्फरगढ़ की तरफ, और कुछ इमरजेंसी थी, कुछ काम था जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। और इंशाल्लाह आज मैंने सोचा कि मुजफ्फरगढ़ में अपना पहला व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी भी जाने वाला था ज़रा मंडी की तरफ, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ दादा की कॉल आई हुई थी, स्प्रे वगैरह लेना है अपने इस तरह संभाले फसल के लिए, और कुछ और चीज़ें भी। चलें आपको मुजफ्फरगढ़ की ज़रा दीदार भी कराते हैं, मुजफ्फरगढ़ कैसे दिखता है, और चलते हैं जी। अपनी पहले आपको बाइक का दीदार कराते हैं जी। यह मेरी मुजफ्फरगढ़ सिटी का ये रॉयल पैलेस है, मैं आपको ये दिखा दूँगा। खूबसूरत पैलेस है, शादियों के लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त है। अंदर से खैर मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बंद है, बाहर से आप इसका ज़रा व्यू चेक कर लें। ठीक है, ये शादी हॉल है और बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। यहाँ लोग अपने फैमिली फंक्शन, बर्थडे फंक्शन, डिफरेंट किस्म के हर इधर फंक्शन लोग करते हैं, और जगह भी अच्छी है और मुनासिब भी है कि इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। हम पहुंच गए हैं जी मुजफ्फरगढ़ के इंतहाई खूबसूरत जो है रोड के ऊपर, रोड से मुराद है ये गार्डन रोड है, और रोड के तरफ बहुत अच्छे से घर भी बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब मेरी पसंदीदा जगह, एक ज़माना था जब मैं इधर मुजफ्फरगढ़ में ज़्यादातर इधर ही रहता था, मेरे दोस्त और मैं हम ऑलमोस्ट रात में शाम में इधर ज़रूर बैठने आते हैं, इतनी खूबसूरत जगह है। आपको ये इधर के घर भी चेक कराते हैं ज़रा, और सारा इसका व्यू दिखाते हैं। चलेंगे चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें थोड़ा सा काम है, बस यहाँ पे हमें एक शॉप जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ कम आता जाता हूँ जिसकी वजह से मुझे उस शॉप का नाम बिल्कुल नहीं पता। पहले आपको मंडी का इस साइड पे जो है मंडी है बिल्कुल, ठीक है, आप किसी भी किस्म का फ्रूट हो गया, सब्जी हो गई, जैसे धीरे धीरे परचेज़ कर सकते हैं और अच्छा दाम होगा। शॉप का नाम जो है, जहाँ मैंने जाना है, नया सवेरा, और मेरे ख्याल से वो मुझे फ़िलहाल दिखी नहीं, उसको ढूंढते हैं और आपको दिखाते हैं हमें वहाँ से क्या लेना है। चलें जी, हमें शॉप जो है वो मिल चुकी है, एंटर होते हैं और आपको नया सवेरा हमें जी मिल चुका था, और जो चीज़ हमें लेने की है वो हमने ज़रा सोचा थी। अब चलते हैं मंडी की तरफ और देखते हैं मंडी ओपन है या नहीं है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और हमें कुछ लेमन वगैरह लेने हैं, वो लेते हैं साथ घर की तरफ निकलते हैं, देखते हैं। खैर लगता नहीं है मुझे, मंडी का आप हाल देख सकते हैं, इसका बिल्कुल सुनता है और खाली खाली मंडी दिख रही है। लग रहा है कि इस तरफ से शायद फ्रूट तो मिल रहा है, लेकिन ना बीमो मिलना मेरा इसका मुश्किल है। फ्रूट मौजूद है, देखें यहाँ पे जो सब्ज़ी है वो इस टाइम, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे जो सब्ज़ी वाला है वो कोई भी नहीं दिख रहा। आपको मंडी का ज़रा बैक साइड का व्यू कराते हैं, मैं तो खैर इस टाइम गलत ही कहूँ फिर भी। इस
टाइम ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है सिवाय जो हमें चीज़ चाहिए लीमू के, तो किसी और शॉप से जाके लेते हैं, देखते हैं। यहाँ से मंडी से निकलते हैं और अपने घर की तरफ, रास्ते में कुछ और चीज़ें भी एक दो लेनी है वो जाते हैं, और इंशाल्लाह जाते जाते आपको घर जाके आप मुलाकात करते हैं। ठीक, हम गुजर रहे हैं जी मुजफ्फरगढ़ के बाज़ार की तरफ से। मैंने सोचा आपको मुजफ्फरगढ़ जो बाज़ार है वो भी दिखा दूँ और अपना काम निकाल कर हो जाए। यहाँ पे कुछ मुजफ्फरगढ़ में कुछ ही देर हुई आपको बता दें, देखते हैं जैसे कैसे टाइम टाइम तो काफ़ी अच्छे मेरा बैंड जो जाता है मेरे को बहुत जान पड़ा है। आपको जो बाज़ार है आधे से ज़्यादा वैसे ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा क्योंकि 14 अगस्त जो है आने वाले हैं और उसकी तैयारियाँ जोर शोरों से चल रही है हर जगह पे, इस्लामाबाद से लेकर मुजफ्फरगढ़ छोटी तक। ठीक है, आपको इस सिटी का ज़रा इंतजार करा था। बच्चों के सूट सेल आए, मेरी बहन है, शक्ल दिखा दें आपके, देखें ज़बरदस्त बताऊँगा। खैर रश भी है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं 14 अगस्त के लिहाज से, और हम जो है अपने काम के लिए आए हैं और जो कि हमारा काम हो नहीं पा रहा है, रश काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर फ़ोन जो है जेब में डालना हो उसके बाद ज़रा बाइक चलाने की कोशिश करते हैं। फाइन लीजिए, हमें अपनी शॉप मिल चुकी है, भाई हमारी तीनों का है, आपको वो दिखाते डालो डालो डालो, मज़ेदार किस्म का रही है। अच्छा, एन भाई के अंगूर भी दिखा दें आपको, है फ्रूट्स वाले भी बहुत यहाँ पे मौजूद हैं। भाई जो है वो हमारे लिए शॉपर ढूंढने गए, उनके पास शॉपर वो लेके आते हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे सरगढ़ की बात हम घर की तरफ आते हैं, और लीमू ज़्यादातर मैंने इसे लिया ताकि लीमू पानी पी सके जाकर। ठीक है, इनको ज़रा पे करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मैं आपको बैकग्राउंड ज़रा दिखा दूँ, और ये 14 अगस्त की वजह से काफ़ी ज़्यादा है। चले जी, हम अब्दुल्ला भाई की दुकान में पहुंच गए। पहले अब्दुल्ला भाई की शक्ल देखें आप, यार इस्लाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है, अब्दुल्ला क्या पसंद करना है बताएं, कौन सा बिस्कुट हो सर, छोटा बड़ा? पहले हमें कोडिंग दिला दें आपसे, उसके बाद देखेंगे जरा शॉप की आपको वीडियो दिखाते हैं। तो फिर एक दिखाएंगे शॉप मुजफ्फरगढ़ में, ज़बरदस्त किस्म की दुकान इन्होंने बना रखी है, और जो कोडिंग है वो तो है ज़बरदस्त होती ही है। बस ये वाला किसके झंडे वाला, पाकिस्तान झंडा अब्दुल्ला भाई जल्दी से ओपन करके दें यार, छोटे छोटे बच्चों को भी आपको दिखा दें। हाय, एंजॉय करना चाहिए, वो तो खत्म ठीक है, सारे देवता है ना अंदर। अरे ये चले जी, कौन खाए ना घर पहुंचे इंशाल्लाह, ये बोलो जो अल्लाह खा तू। हमारी हो चुकी है जी वापसी घर, हम गए पहुंच, इधर आपने घर एंटर होते हैं, जाके देखते हैं कुछ और प्लान्स क्या हैं घर के लिए, या फिर कुछ काम का है या नहीं, या फिर जाके हम रेस्ट करते हैं। चाहे मिलते हैं थोड़ी देर तक।